अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत, अपने वतन हिंदुस्तान को किस नाम से पुकारा जाए, इस पर देश में बहस छिड़ी हुई है। G20 डिनर के निमंत्रण पर लिखी इस लाइन पर फिलहाल सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही अपने देश से इंडिया शब्द की विदाई हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। सवाल ये कि अगर केंद्र सरकार हिंदुस्तान का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देती है तो इस प्रक्रिया में कितना खर्च आएगा, किसी देश का नाम बदलने पर कितना खर्च आ सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में स्वाजीलैंड नाम के एक अफ्रीकी देश ने अपना नाम बदलकर इस्वातिनी कर लिया था। उस वक्त इस छोटे से देश का नाम बदलने में तकरीबन $60 मिलियन का खर्च आया था। वहीं साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी। सरकार ने जो टैक्स और गैर टैक्स वाला राजस्व यानी रेवेन्यू हासिल किया, वो राजस्व के इस आंकड़े के आधार पर भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में इस पर खर्च लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के कई राज्यों में अलग अलग शहरों के नाम बदले गए हैं। इनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का नाम सबसे टॉप पर रहा। यहाँ की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा इलाहाबाद का प्रयागराज किया जाना। एक रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ से अधिक का खर्च दिखाया गया है। इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया था। उसी वक्त उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। साल 2016 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। जानकारों के मुताबिक अगर किसी शहर के नाम बदलने पर आने वाले खर्चे की बात करें तो वो तकरीबन 200 से 500 करोड़ रुपए के बीच होता है। वहीं किसी राज्य के नाम बदलने पर खर्च की बात करें तो ये 500 करोड़ से कहीं ज्यादा हो जाता है। भारत का नाम इंडिया रहेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।